नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। आपको बता दें कि अमेठी के अरोवा भवानी शिक्षक पत्नी व दो बेटियों की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी चंदन वर्मा पुलिस की गोली से घायल हो गया है। शुक्रवार की देर रात पुलिस चंदन को लेकर अरोवा भवानी गई थी। रास्ते में मोहनगंज थाना क्षेत्र के विंध्या दीवान नहर पटरी पर जंगल झाड़ी के पास चंदन ने दारोगा मदन सिंह कुमार की पिस्तल छीनकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थाना अध्यक्ष शिवरतगंज सचिन आनंद की जवाबी कार्रवाई में चंदन के पैर यानी कि दाहिने पैर पर लगी है गोली। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसपी हरेंद्र कुमार ने बताया कि चंदन को इलाज के लिए CHC ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। चंदन की निशानदेही पर पुलिस ने देशी पिस्टल, बुलेट, मोटर साइकिल और UP-33 और BU और साथ में 4,576 बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि CHC के चिकित्सकों ने चंदन के इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां चंदन का इलाज चल रहा है। अमेठी में मारे गए रायबरेली निवासी शिक्षक के परिजन शनिवार को CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। यहां आपको बता दें कि अमेठी में शिक्षक सुनील, पत्नी पूनम और दो बच्चों की हत्या कर दी गई थी। देखिए, जो कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी सिरतनगंज में, उसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी। उसके जो मुख्य आरोपी है, आज उसको गिरफ्तार किया गया है SJP टीम द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से। उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है और ये बताया है कि जो उसमें एक मृतका जो कि महिला है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग थे और उसमें मनमुटाव आ गया था। उसी में तनाव पूर्ण माहौल में तनाव में वो आ गया था और उसी तनाव के वजह से उसके द्वारा ये घटना कारित की गई। कहाँ से गिरफ्तार हुआ, किसने गिरफ्तार किया? देखिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जेवर टोल प्लाजा के पास जब ये दिल्ली भागने का प्रयास किया कर रहा था, वहाँ से STF की टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। STF की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा देखिए 4 लोगों की तो इसने हत्या कर दी और घटना स्थल पर ही इसके द्वारा स्वयं को भी मारने का प्रयास किया गया। गोली मिस हो जाने के कारण ये बच गया और वो जो गोली मिस हुई थी वो जिंदा कारतूस भी हमारे द्वारा बरामद किया गया। इस वाले बच्चों को उसने निशाना बनाया तो क्या, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था, किस चीज से ऐसा ट्रिगर हुआ जिसने बच्चों को भी मार दिया? देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी उससे चूंकि अभी विस्तृत पूछताछ अभी बाकी है, विस्तृत पूछताछ में भी ये तथ्य सामने निकल कर आएंगे, आपको अवगत कराएंगे। उसने आपको बताया नहीं क्यों बच्चों को मारा, अगर प्राइम टारगेट उसकी? देखिए, उसका यही कहना था कि वह तनाव में था, उसके सामने जो आया वो इतना विभेद नहीं कर पाया और गोलियां चलाता गया और जो आया उसका शिकार बनता गया। वहीं ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, ऊंचाहार के प्रतिनिधि पंकज सिंह के साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजू सिंह, तो वहीं सुदामपुर के साथ मृतक शिक्षक व माता पिता को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षक के पिता रामगोपाल से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। तो वही अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा भी पीड़ित परिजनों से मिले। बता दें कि उन्होंने ही राहुल गांधी की बात मृतक के पिता से करवाई थी। मामले में पुलिस ने अब तक कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर लिया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।